नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। भाई मैं भी कुछ चंगा हूँ। और आज का ये जो देख रहे हो ये हमारा साइकिल है, बहुत पुराना साइकिल है, लेकिन आप लोगों को मैं आज तक में दिखाया नहीं, सिर्फ बाइक ही दिखाया और कुछ वीडियो बनाया, लेकिन मैं दिखा दूँ, ये मेरा बहुत पुराना एक साइकिल है। और ये मैं क्लास 9 में जब था इस साइकिल को लिया था। अभी हूँ BA 4th सेम पे हूँ अभी, तो समझ लो ना बहुत ही पुराना है और थोड़ा ख़राब हो गया था ये साइकिल, उसको मैं रिप्लेस करना नया किया। तो आज साइकिल के कुछ बताने वाला हूँ, मतलब मुझे भी सोचने में कैसा फील होता है, मतलब मैं भी सोचता हूँ, लेकिन साइकिल एक काम करता है जो मतलब बड़ा बड़ा पैसा वाला गाड़ी भी नहीं है। तो बोला वीडियो को आरंभ करते हैं। मैं बता दूँ, साइकिल एक ऐसी बाइक है ना, मैं भी नहीं बता सकता। और जिनको बहुत ही प्यार ये रोजी रोटी चलती है उन लोग के तो मैं सोचा मत। एक टाइम था साइकिल से लोग गुजरते थे, साइकिल एक घर पे था, बहुत पुराने के टाइम पे बता रहा हूँ मैं, पुराना टाइम क्या, उस टाइम पे एक साइकिल अगर घर पे था ना बहुत अमीर माना जाता था। और दहेज में अगर एक साइकिल दे देता ना, शादी के मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई सोचो मत यार। अभी क्या हुआ, अभी BMW इसके बाद कवासी निंजा जैसा है ना, उस टाइम पे ऐसा था उस टाइम पे। पर अभी क्या हुआ, अभी तो सब कुछ यार हम लोग जी रहे हैं, लेवल दे रहे हैं। अभी बिस्कुट ये मतलब 100-150 कभी दूर है दुकान है, वहाँ पे अगर एक बिस्कुट के पैकेट लाना है, कोई भी बिस्कुट लाना है, तो हम लोग क्या लेवल मारती है, बाइक लेके लेवल मार के देता है। वहीं पर कुछ हो गया बाइक से, लोग क्या कहेंगे, वहाँ से वहाँ आने में तेरा बाइक लगता है तेरे को, हाँ तू गिर गया। अब घर वाले से तो डांट मिलेगी, और बाहर वाले से ऐसे भाई। और साइकिल की फैक्ट बताता हूँ आपको, जब एक बंदा साइकिल लेके 4-5 साल दिल्ली मतलब वहाँ से वहाँ मतलब आपकी उसका जॉब लोकेशन ले जाता था, उसके बाद घर पे आता था साइकिल से रानी करता था, उसका शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर क्या हुआ बताया, जब उसने एक बाइक ले ली, उसका पेट फाड़ने लगा, मतलब जैसे मान उसका प्रेग्नेंट हो चुका है, ऐसा हो गया, तो उसका थिंक आ चुका है कि नहीं ये तो मेरा लेजीपंथी के लिए है, मेरे घर पे साइकिल है, मैं बाइक चला रहा हूँ, और उसने साइकिल को दूर रख दिया। ऐसा नहीं है भाई, क्या पता है, और हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया से बाहर जितने भी देश है ना, उस साइकिल को मतलब यार ऐसा मतलब मानते हैं ना, साइकिल लेके तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। तो जो लॉकडाउन है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पेरिस से हमारा जो सिलचर है ना, आसाम का सिलचर में एक मतलब मैंने भी एक वीडियो बनाया, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देखना। पेरिस से साइकिल राइडिंग करते हुए हमारा सिलचर आसाम पे आया, ना जाने वो कौन कौन सा देश से घूम के आ गया है साइकिल से। अब ये मत समझना उसका बड़ा बड़ा मतलब स्टाइल साइकिल था, लेवल साइकिल था, साइकिल साइकिल होता है। और ये जो साइकिल है ना, ये बेस्ट साइकिल है। ये क्या था, ये हीरो मतलब ये हीरो क्या जेड था, ऐसा ही कुछ स्टिकर मिल गया है, और बहुत पहले का था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो ऐसा हो जाता है मतलब बाइक चलाते या कोई भी मतलब लेजी की बनती है, लेकिन आपको मैं बता दूँ ये लेजी कहाँ से आया, पता है कहाँ से लेजी आया? आप थोड़ा अमीर बन चुके हो, पैसा हो चुका है, खरीद लिया बाइक खरीद लिया, उसके पास साइकिल तो हटा दी हो, अब तो बाइक ही चलाते होंगे, उसके बाद आपका हो गया मतलब होने लगा है, एक बढ़ने लगा, शुगर हो गया या मोटा हो गया या पेट मोटा हो गया, ऐसा हो गया, उसके बाद साइकिल नहीं चलाएगा। साइकिल चलाने में क्या फेस करने, पता है क्या क्या फेस होता है हम लोग को, रेगुलर एक्सरसाइज होता है, ठीक है, पैर, उसके बाद मतलब बहुत सारी हम लोग को साइकिल से मतलब लाभ होता है, ठीक है, नुकसान कम होता है, लाभ होता है ज़्यादा, लेकिन बाइक में क्या है। और ये जो मैंने बताया जो लेजी कहाँ से आई, या मेरे को बता दूँ आपको, मैं बता दूँ तो लोगों ने ये लेजी किया, आसाम हमारा जो आसाम है ना, आसाम में कुछ लोग ऐसे हैं, अगर सपोज मैंने भी आज ये देख लिया, 2-3 दिन से इस साइकिल को मैंने घर से मतलब निकाला, ठीक है, अच्छी कंडीशन में इसको निकाला, उसके बाद लोग मुझे पूछने लगे कि तेरा बाइक है, तू बाइक कहाँ पे है, तेरा बाइक किधर है, तू पेट्रोल बचा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा लोग मतलब
बिहेवियर करते हैं और सुनने में भी यार कुछ अजीब लगता है। इसलिए मतलब ये मैंने थिंक किया कि ये दूसरे लोगों को, दूसरे लोग भी ये अगर सोचते होंगे तो इसलिए ये मतलब आया। और लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं या भाई पूछो मत, कमेंट ऐसे ऐसे देते हैं। तो आज दो तीन भाइयों ने मुझे ऐसे कहा था, लेकिन मैंने बोल दिया भाई, उन लोगों को पता है मेरा बाइक है और ढाई दो साल से मैं बाइक चलाता हूँ, उन लोगों को पता है मेरा बाइक है। मैंने कहा दिया ये मेरे वो तो पुराना साइकिल है स्कूल टाइम का और मैं इसे लॉकडाउन में चला रहा। और लॉकडाउन में अगर एक बात बता, लॉकडाउन में मैंने देखा है हमारा मार्केट में ना साइकिल ही ख़त्म हो चुका है भाई, कोई भी मॉडल नहीं रहा है। क्योंकि पता है गाड़ी तो आप नहीं निकाल सकते हो, कुछ दिनों के छूट मिली है इसलिए कुछ गाड़ियाँ रास्ते में दौड़ रहा है, ठीक है, कुछ दौड़ रहा है कुछ गाड़ियाँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि साइकिल से लोग आते जाते हैं, मतलब यहाँ मेरा घर से अगर सिलचर तो मतलब 20 किलोमीटर दूर ऐसा है, वहाँ से अगर एक बार जाओगे मतलब वो भी गाड़ी में तो 100 रुपया रखेगा आने, और सिलचर से घर पे आने के लिए 100 रुपया रखेगा, मतलब 200 रुपये लग जाएगा। इसलिए लोग यहाँ साइकिल से लटर बिलिंग कर रहा है, वो भी मतलब पुराना दिन जैसा। तो हम लोगों को यार पता चल गया है कि साइकिल क्या बेस्ट है, और साइकिल को कभी भी लोग मतलब नीचे मत दबाओ, साइकिल चलाओ। और मैं भी साइकिल का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे बताओ। तो आई होप इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही बोल दिया साइकिल के बारे में, मतलब मतलब साइकिल को मतलब कभी भी नीचे मत दिखाओ। साइकिल मतलब साइकिल तो अमीर लोग भी चलाते हैं, मतलब इंडिया से बाहर जितने भी देश हैं उन लोग देश कितना मतलब साइकिल को कितना पॉजिटिव मानते हैं ये आप लोग देख, मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो हैं, मतलब बाहर के लोग मतलब हमारा इंडिया में बहुत बहुत एक्टर हैं उन लोग भी साइकिल चलाते हैं। तो आपको साइकिल चलाने में क्या दिक्कत है बोलो, और दूसरे लोगों को भी कमेंट करना छोड़ दो ऐसा कमेंट कि साइकिल चला रहे तो ये मतलब ऐसा ऐसा। तो साइकिल में भी एक टाइम पे लेवल था भाई, लेवल मतलब साइकिल में भी एक टाइम में लेवल था, उसका कोई भी मतलब कोई सीसी नहीं, 100 सीसी, 80 सीसी, मतलब 90 सीसी, मतलब कोई लिमिट सीसी नहीं है, ये आपके अंदर का जोश है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें की, आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फॉलो वीडियो को यहाँ पे एंड करो।